का रिश्ता होता है ना, ये बड़ा ही नाजुक होता है और ये का बहुत संभाल के रखे के चाहिए। Sorry, I am really, really very, very sorry. देखिए, आप मुझसे बात करने की कोशिश मत करें। और आपके सॉरी वोरी की तो मुझे जरा भी जरूरत नहीं है। आपको पता है, पूरे एक महीने पहले गए थे आप दिल्ली से। और जाने के बाद ना कोई फोन कॉल, ना कोई एसएमएस, ये सब तो दूर आपने मेरे कॉल तक रिसीव नहीं किए। देखिए पल्लवी जी, आप अपनी जगह पर एकदम सही हैं और आपका गुस्सा भी एकदम वाजिब है, लेकिन दरअसल मेरी भी एक प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा वो कंबख्त मोबाइल कहीं घूम गया था। अब आप बताइए, अगर मेरे पास मोबाइल ही नहीं होगा तो मैं आपकी कॉल्स कहां से रिसीव करूंगा? और हाँ, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो ये देखिए, नया मोबाइल खरीदना पड़ा मुझे। नए नए मोबाइल फोन खरीदना तो आपका पुराना शौक है। वैसे आपके पास तो मेरा नंबर भी था ना, आप चाहते तो मुझे कॉल कर सकते थे, लेकिन नहीं। ये पल्लवी जी, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है और बस इसीलिए आपसे माफी मांगने आया हूं। और आप कहेंगी तो मैं आपके सामने उठक बैठक लगाने को भी तैयार हूं, बस आप गिनती की रहने दीजिए, रहने दीजिए प्लीज। अपने आपको ज्यादा तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं अपने आप को तकलीफ नहीं देता हूं, लेकिन आप भी अपने इस प्यारे से चेहरे को तकलीफ मत दीजिए, थोड़ा स्माइल कर दीजिए और मुझे ये बताइए कि आप कैसी हैं। और वो हाँ, आपकी जो फ्रेंड थी वर्तिका, वो कैसी है? कुछ भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट वर्तिका की लाइफ में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ओहो, तो एक काम करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को आराम से सुनने के लिए कहीं बैठकर हम कॉफी पीते हैं और सारी बातें सुनेंगे। चलिए, मुझे देर हो रही है, मुझे ड्रामा स्कूल जाना है। तो ठीक है, हम इसी बहाने आपको ड्रामा स्कूल तक ड्रॉप कर देंगे और रास्ते में बातें भी हो जाएंगी। पल्लवी जी, हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन आपका ये ड्रामा स्कूल खत्म हो और आप एक टॉप की एक्ट्रेस बन जाए। और बस यूं ही मैं गाड़ी लेके जब निकलूं तो इमारतों के बीच मुझे एक बड़ा सा होर्डिंग दिखाई दे, एक बड़ा सा पोस्टर, और मैं उसे देखकर कहूं कि अरे ये तो मेरी दोस्त पल्लवी है, मेरी करीबी दोस्त पल्लवी, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री। Everybody,
तो बातें हैं, हमेशा मेरा दिल जीत लेती है और मेरे सपनों में एक नई जिंदगी डाल देती है। तो चलिए पर इसी बात पर ड्रामा स्कूल तक हमारे साथ ड्राइव हो जाए। ये सपने दिखाना तो केडिया का सबसे बड़ा शौक है पल्लवी। एक ऐसा पिंजरा जिसमें कैद कसरतें हमारा मन है। खा लीजिए। अच्छा इतना खा लीजिए, ठीक है, उसके बाद नहीं कहूंगी। जरूरी है आपके लिए। जरूर कमला, जरूरी तो बहुत कुछ था। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अपने मन में कितनी हसरत थी कि अपनी आंखों के सामने अपनी दोनों बेटियों की शादियां निपटा दूं। उनकी बस्ती गृहस्थी देख लूं, तो उसके बाद आराम से चला जाऊंगा। देख लूं तो उसके बाद आराम से चला जाऊंगा। लेकिन अब तो लगता है कि इस हसरत को दिल में लेकर ही चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अपने ठाकुर जी पे पक्का भरोसा है, वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे और वो आपकी हर हसरत पूरी करेंगे। हाँ कमला, किसकी बेहोश आंखों में सपने जगाने की कोशिश कर रही हो? मेरी या उस वर्तिका की, जिसने मेरी जागी हुई आंखों के सपनों को तोड़ मरोड़ के चकना चूर कर दिया? अब तो मैं जीते जी इन आंखों में सपना देखने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कमला कि मैंने वर्तिका के साथ न दिया हो। मैं कभी भी वर्तिका की पढ़ाई के खिलाफ नहीं था। वो तो मैंने मुखौटा लगा रखा था समाज के लोगों से उसको बचाने के लिए। हमेशा मैंने अपनी नाराजगी की आड़ में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता था। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि वर्तिका समझ नहीं पाई। अगर वर्तिका ने जरा सा भी इस बात को समझ लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो हमें शर्म जुल्लत से बचा सकती थी। जबकि हम उसका हाथ उस
उसकी पसंद के लड़के के हाथ में देने को तैयार थे। आप अपनी जगह ठीक हैं जी, लेकिन हम पूरी तरह से टूट गए हैं कमला। हमने कई बार तुम पर भी अपनी नाराजगी दिखाई, बुरा भला कहा, इसके लिए मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। तुम प्लीज अब मेरी बात मानकर यहां से चलो, क्योंकि अब हम और शर्मिंदा नहीं होना चाहते। कैसे बातें कर रहे हैं? ये घर आपका अपना घर है, आप इसे छोड़कर जाने के बाद कैसे कर सकते हैं? मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूं, आप अपनी उम्मीद मत तोड़िए। जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं। जी मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक बात इतनी नहीं बिगड़ी है जितनी कि आप सोच रहे हैं। मैं आज वर्तिका से मिलने जा रही हूं, मैं उससे बात करूंगी और जल्दी ही तुषार जी से भी बात करूंगी। चलती हूं। एक बात और कहना चाहती हूं आपसे, आज पहली बार मैंने आपकी आंखों में वर्तिका के लिए प्यार देखा है, और ये बात मैं उसे आज जरूर बताऊंगी। चलती हूं। बेटा, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि सबको सबको तुम्हारी जैसी बहू और तुम्हारी जैसी बेटी दे। ये भगवान की सुंदर रचना, सच की आंखों का ये सपना, प्रश्न सी बन के खोजे उत्तर, अर्ध नारीश्वर तो ये बात है जी मैम। दरअसल जब मैं उस दिन आपसे मिलने आई थी, तो आपसे प्रेरित होकर अपने मन को माँ की कसम से ऊपर रखकर अपने अतीत के धब्बों को तुषार के सामने रखने के लिए मैंने मामा जी की किताब का सहारा लिया, और बिना कोई देर किए हुए तुषार ने वो किताब पढ़ी भी। शायद मेरे अतीत के धब्बों को उस किताब में ढूंढने की कोशिश करते हुए, और जैसे ही उसने वो किताब पढ़ी तो उसने मुझे फोन किया, शायद ये जानने के लिए कहीं सचमुच में तो मैं किसी के साथ भाग के नहीं गई थी। वर्तिका, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, और अब ये सच जानने के बाद मैं एक बार फिर से यही दोहराऊंगी कि किसी भी रिश्ते में बनने के पहले यदि कोई भी एक जना दूसरे के अतीत के ऊपर सवाल उठाए तो पहले तो उस रिश्ते के सफल होने में ही 100 सवाल उठ जाते हैं। इसीलिए तो मैंने फैसला किया है मैम कि अब मैं किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं दूंगी, बल्कि अपनी उस दिशा की ओर बढ़ती रहूंगी
जिस दिशा की ओर मैं चल रही हूं, क्योंकि तमाम रेखाओं को पार करने के बाद मुझे ये दिशा मिली है। हाँ वर्तिका, अब तुम्हारा ये फैसला मेरी नजरों में एकदम सही फैसला है, और अब तो तुम अपने मंजिल के इतने नजदीक हो, और अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी इस पसंदीदा विद्यार्थी के नाम के आगे क्या लगेगा, डॉक्टर वर्तिका। जी मैम, और इसके लिए मेरे मामा जी और बुआ जी के अलावा अगर किसी को क्रेडिट जाता है ना, तो वो आप हैं मैम, क्योंकि ये विषय चुनने के लिए मुझे आपसे ही तो प्रेरणा मिली है। 21वीं सदी और नारी की अग्नि परीक्षा। तो अर्ध नारीश्वर तुषार, जिस रिश्ते की डोर को पकड़कर हम साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई तो अर्ध नारीश्वर, उसमें सवालों के लिए इतनी जगह नहीं, कोई तो अर्ध नारीश्वर, बस एक छोटा सा विश्वास ही काफी होता है। प्रेम दो दिलों के पास के धब्बों को मिटा देता है, अपने पास कैसा भी हो। शक्ति के बिना